किसी नगर में दो दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त अंधा तो दूसरा दोस्त लंगड़ा था। अंधा दोस्त अपने लंगड़े दोस्त को अपने कंधे पर बैठा लेता और लंगड़ा दोस्त अपने अंधे दोस्त को आगे चलने का रास्ता बताता था। वे इस तरह से हर जगह आया जाया करते थे। नगर में 2 वर्ष से सूखा पड़ा हुआ था। एक दिन बारिश होने की पूरी संभावना थी। मंत्री बीरबल के सुझाव से शहंशाह अकबर के आदेश पर नगर के सभी खेतों में मेड़ें बनाई जाती हैं ताकि बारिश का पानी खेतों में ज्यादा समय तक भरा रहे और पानी का सदुपयोग हो सके। फिर सभी खेतों में मेड़ें बना दी जाती हैं। उस दिन वे दोनों दोस्त नगर के बाहर गए हुए थे। उन्हें लौटने में रात हो जाती है। उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना था। तूफान आने की वजह से वे खेतों से जाने का रास्ता चुनते हैं ताकि घर जल्दी पहुंच सकें। फिर वे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगले दिन जब नगर के लोग खेतों में देखने जाते हैं तो उन्हें खेतों की मेड़ें टूटी नजर आती हैं। एक आदमी कहता है, मैंने रात को उन्हीं अंधे लंगड़े को जाते हुए देखा था। जरूर उन्होंने ही यह सब किया है। फिर उन्हें शहंशाह अकबर के दरबार में पेश किया जाता है। नगर के सभी लोग कहते हैं, जहाँ पना इन्हें कठोर सजा दी जाए। तब अंधा आदमी कहता है, जहाँ पना गलती मेरी नहीं थी, राह तो इसने बताई थी, इसलिए गलती इसकी थी। यह सुनकर लंगड़ा आदमी कहता है, गलती मेरी नहीं थी, राह मैंने दिखाई थी, लेकिन मेड़ इसने तोड़ी थी, सजा इसी को दी जाए। इस तरह से वे दोनों सभा में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। बीरबल, तुम क्या कहते हो, सजा किसे दी जानी चाहिए? हुजूर, गलती तो हुई है और ये दोनों ही अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, इसलिए हुजूर दोनों को 1 माह के लिए नगर में इन्हें अलग अलग कर दिया जाए। 1 माह के बाद दोनों को सभा में पेश किया जाता है। जहाँ पना गलती मेरी थी, नहीं जहाँ पना गलती मेरी थी। बीरबल, ये कैसे हुआ? हुजूर, ऊपर वाले ने इन्हें पहले से ही सजा दे रखी है, ये अपनी गलती नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें 1 माह तक अलग करके एक दूसरे के प्रति महत्वता को जागृत किया ताकि दोबारा ये दोनों भविष्य में ऐसी गलती ना करें।